सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिले। इसी तरह से नई नई रेसिपीज आप मेरी देखें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने चल रही हूँ सालों साल हम धनिया को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो धनिया लिया है। धनिया को मैंने 2 से 3 पानी अच्छे से धुल लिया है। जब तक इसका पानी साफ़ ना हो तब तक आप इसे धुलते रहिए। तो मैंने इसे 3 से 4 पानी धुल लिया क्योंकि धनिया मेरी काफ़ी साफ़ थी। तो इसे धुलने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था, पानी सारा सूख गया। आप देख रहे हैं काफ़ी खिली खिली सी धनिया दिख रही होगी, तो पानी इसका सारा सूख गया है। इसे 2 से 3 घंटे मैंने रख दिए थे। तो अब मैं इसी तरह से यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड ले कर इसे कट कर लूँगी। तो छोटे छोटे टुकड़े मैं इसमें कट करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ इसको दिखाना कि कैसे कट कर रही हूँ। और इस समय इजली मार्केट में बहुत ही आसानी से आप लोग को धनिया की पत्तियां मिल जाएंगी क्योंकि ये मौसम है धनिया का, तो इस समय आप स्टोर कर सकते हैं इसको। इसीलिए मैं आप लोग के साथ ये वीडियो लेके आई हूँ। मैं ऐसे ही हर साल करती हूँ, पर अब मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ भी क्यों ना इसे शेयर करूँ कि आप इसे स्टोर कर लीजिए। तो जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं, मेरा वीडियो जो लोग देखते हैं सबके लिए है ये। और जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं कहती हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी इसी तरह से नई नई वीडियो देखने को मिले, नई टिप्स, ब्लॉग और ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। रेसिपी मैं लाती हूँ तो कभी कुछ ना कुछ मैं रोज डेली डालती हूँ वीडियो को, मैं किसी किसी दिन नहीं जा पाता है। तो देखिए इसी तरह से आप कट कर लीजिए। जैसे कि हम इतने छोटे छोटे टुकड़े नहीं करने हैं, थोड़े बड़े करने, जैसे हम चटनी पीसते हैं कट करके उतने ही बड़े बड़े करके यहाँ पर ऐसे ही, ये देखिए इस तरह से करके यहाँ मैंने धूप में डाल दिया। छत पे मैं आई हूँ, धूप में डाल दिया है। इस धूप में जैसे सर्दियों की धूप में 3 से 4 दिन लगेंगे जो तेज़ धूप होती है उसमें, तो अच्छे से सूख जाएगा। तो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी कि ये सूखने के बाद कैसे होगा। तो 3 से 4 दिन बाद मैं आप लोग को बताती हूँ कि अच्छे से कितना अच्छे से सूखेगा। और ये मैंने 2 ट्रे, 1 ट्रे में डाला है और 1 इसमें डाला है, लेकिन सूखने के बाद काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि हरा है इसलिए ज़्यादा लग रहा है। तो आपको दिखाते हैं कि ये देखिए मेरी सूखी हुई धनिया। तो इसे हम रख सकते हैं जैसे कि हम कसूरी मेथी भी सुखाते हैं इसी तरीके से। तो मैं वो भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा धनिया की पत्ती वाला शेयर करूँ। आप लोग देखिए इसी तरह से ढेर सारी धनिया लाइए मार्केट से धुल करके और सुखा लीजिए। आपको साले साल आराम से जो है यूज़ कर सकते हैं धनिया की पत्ती, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो आप लोग को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी इसी तरह से डेली की वीडियो आप लोग देख सकें मेरी। तो मैंने यहाँ पर एक जार लिया है, इस तरह से चाहे आप कांच का जार ले लें या प्लास्टिक का जार लें, तो जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। जो कंटेनर आते हैं प्लास्टिक के, जैसे ये हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 कंटेनर में रख दिया है। तो आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि मेरी ये धनिया की पत्ती स्टोर करने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा, मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर से मिलते हैं आप लोग के साथ इसी तरह से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।